सबसे पहले तो यह है कि जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के उन्होंने एटम बम मार दिया है धांधली करने वालों के सर पे यह हुआ क्या है इसके नतीजे में क्या हो सकता है कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी इतनी बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में अचानक से नहीं हो जाती चंद नुकात मैं आपके सामने रखूंगा इनको जब आप जोड़कर देखेंगे तो आपको आइडिया हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद एक नया खेल खेला जाए पहले हम देख लेते हैं कि कमिश्नर ने कहा क्या वो बहुत जरूरी है हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि के ऊपर जो कुछ हुआ उस पर मैं मुस्ताफी होता हूं उन्होंने कहा हमने आठ फरवरी को रात के वक्त रावलपिंडी से तेरह लोगों को जितवाया है और हारे हुए उम्मीदवारों को 50 पचास, पचास हजार की लीड में तब्दील किया है तेरह कौमी असेंबली की नशस्तें हैं रावलपिंडी डिवीजन में और छब्बीस सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं गालिबन तेरह कौमी असम्बली की नशस्तों में रावलपिंडी शहर की तीन है टेक्सला की है अटक की दो सीटें हैं चकवाल की दो सीटें हैं चकरी की सीट है फिर ये गोजर खान की सीट है ये सारी सीटें मिला जुला के आपकी तेरह सीटें बन जाती हैं और तीन इस्लामाबाद की भी हैं वह अभी इनके अंडर में नहीं आती लेकिन वहां ज्यादा बड़ी धांधली हुई है वो ये कह रहे हैं कि तेरह के तेरह सीटें जो हैं वो हमने उन लोगों को जता दी जो हार रहे थे और पचास पचास हजार की लीड को हमने तब्दील कर दिया फिर उन्होंने कहा रावलपिंडी डिवीजन में ना इंसाफी की है प्रेशर की वजह से आज सुबह फजर की नमाज के बाद मैं खुदकुशी करने की मैंने कोशिश की फिर सोचा हराम की मौत मैं क्यों मरू क्यों ना सब कुछ अवाम के सामने रखू लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी देनी चाहिए मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतखा धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं मुल्क की पीठ में मैंने जो छुड़ा घोंपा है वो मुझे सोने नहीं देता मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूं और मुझे जुल्म की सजा मिलनी चाहिए मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाए कमिश्नर रावुलप्डी ने बताया कि हमने रावलपिंडी डिवीजन की तेरह कौमी असेंबली की सीटों पर हारे हुए लोगों को जितवाया अपने मातहत रिटर्निंग ऑफिसर से मादरत चाहता हूं जब मैंने उन्हें कहा कि आपने गलत काम करना है तो वो बेचारे रो रहे थे मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे लियात अली चट्टा ने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के इस जुर्म में शरीक हैं सत्तर हजार लीड वाले आजाद उम्मीदवारों को जाली मोरें लगाकर हराया गया मामले की सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूं मुझे फांसी दी जाए पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में मैं शरीक नहीं हो सकता अच्छा इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है ये वहां से निकले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अब इसके अंदर आप दो चीजें रखें बहुत मुमकिन है जो ये बात कह रहे हैं वो सच है और ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने धांधली की और इनको वाकई नदामत है लेकिन जिस तरह ये सूटेड बुटेड आए हैं जिस तरह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस तरह के उलिए में सुबह के वक्त आदमी खुदकुशी नहीं कर रहा होता नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है बहुत मुमकिन है कि इन्होंने सोचा हो कि आखिरी दिन ना मेरा इस सीट के ऊपर तो मैं अपने प्रॉपर तरीके से डेकोरम के साथ जाऊं और जाकर अपना एतराफे जुर्म करूं और इज्जत के साथ अपनी गिरफ्तारी दे दूं और अपने किए की सजा काटूं बहुत मुमकिन है इन्होंने ये सोचा हो हो सकता है जो बातें इन्होंने की हैं वो बिल्कुल सच हैं लेकिन चंद सवाल पैदा होते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं नंबर एक ये जो कमिश्नर साहब ने बातें की हैं इन्होंने ये तो नहीं बताया कि दबाव किसने डाला इन यानी ये तो ये बता रहे हैं कि मैं बहुत दबाव में था लेकिन दबाव किसने डाला ये नहीं बताया